चलिए, ये आज सीएसएस की थर्ड क्लास है। बिफोर दैट मैंने दो क्लासेस आपको सीएसएस की बताई होंगी। इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा? सीएसएस के बेसिक सेलेक्टर्स का मैंने डिस्कशन किया था आपसे, जैसे एलिमेंट सेलेक्टर था, आईडी सेलेक्टर था, क्लास सेलेक्टर था। एलिमेंट सेलेक्टर आई थिंक यू नो दैट, जो टैग होते, जैसे लेट अस अज्यूम मैं कोई H1 के ऊपर कोई रूल अप्लाई करना चाहता हूं, तो आप यहां पर उस H1 के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी यहां पर सेट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द गिवन एलिमेंट एंड अप्लाई द स्टाइल, यानी कि HTML के पेज में जहां कहीं भी H1 टैग होगा उसका कलर अब कैसा हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। लेट अस अज्यूम आप किसी इंडिविजुअल टैग के ऊपर, किसी एक H1 के ऊपर आपको कोई रूल अप्लाई करना है, उसके लिए हम लोग आईडी सेलेक्टर का यूज करते हैं। जैसे आपका कोई रोल नंबर हो, तो जिस स्टूडेंट का एक पर्टिकुलर जो रोल नंबर होगा उसी पर वो रूल अप्लाई होगा, राइट? सो सेलेक्ट एन एलिमेंट विद गिवन आईडी बट विद इन HTML आईडी शुड बी यूनिक। हालांकि डुप्लीकेट कर देंगे, कोई रोकने नहीं बैठा हुआ है वहां पर, क्योंकि कोई एरर तो यहां पर आती ही नहीं है, बट मेरा मानना यह है कि आईडी यूनिक होनी चाहिए। जैसे मैंने एक आईडी सेलेक्टर बनाया आपके सामने, स्पेशल H1, तो जिस हेडिंग टैग की आईडी स्पेशल H1 होगी उसी का कलर ब्लू होगा। जैसे मैं ऐसा करता हूं, 3 H1 बना देता हूं, राइट? गिव मी 1 सेकेंड। सी, ये मेरा एक index.html है, यहां पे माय स्टाइल का यूज हो रहा है, एंड आई हैव रिमूव्ड ऑल। अभी मैंने क्या किया, H1, और यहां पर 3 H1 बना दिए, राइट? लेट्स से आप माय स्टाइल में आइए और उसके लिए आप ये वाला सेलेक्टर यूज करिए। बिलीव मी, जो हमारे तीनों H1 टैग हैं, तीनों उनका कलर रेड हो जाएगा, राइट? जस्ट राइट क्लिक और आप इसका पाथ कॉपी करिए, कम हियर एंड पेस्ट इट। सी, तीनों का कलर रेड है। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि जिस किसी की आईडी स्पेशल H1 है उसका कलर ब्लू हो जाना चाहिए, तो आपको क्या करना है बताएं? सिंपल ये वाली आईडी, गिव मी 1 सेकेंड। जैसे मैंने यहां पर आया और मैंने कहा आईडी इज इक्वल टू दिस वन, जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है, पुट इट इन द डबल कोट्स। तो जो ये बीच वाला जो H1 है अब उसका कलर ब्लू कलर में आएगा, राइट? सी, यहां पर हमने एक अलग से आईडी सेलेक्टर बना दिया है। ये मैं सारी चीजें आपको पढ़ा चुका हूं, राइट? सी, इन बिटवीन जो हमारा H1 टैग है वो अब हमारा ब्लू कलर में आ रहा है। ये सारी चीजें आप रिकैप कर सकते हैं। क्लास सेलेक्टर मैंने बताया था, विच इज प्रिसीडेड बाय द डॉट साइन। किसी भी टैग की क्लास अगर ये होगी, उन सभी का कलर रेड हो जाएगा। तो अभी तक मैंने 3 सेलेक्टर, ये इट इज अ रिवीजन ओनली, राइट? फॉर एवरी इंस्टेंस ऑफ स्पेसिफाइड टैग, कोई पर्टिकुलर टैग है उसके हर इंस्टेंस पे, एवरी इंस्टेंस, लेट से अगर आपके HTML के किसी पेज में 50 H1 टैग हैं, तो हर एक के ऊपर वो चीज अप्लाई हो जाएगी, विच इज नोन एज द एलिमेंट सेलेक्टर। आप चाहते हैं कि किसी एक इंस्टेंस पर वो रूल अप्लाई हो, इफ यू वॉन्ट कि वह रूल सिंपल एक एलिमेंट पर अप्लाई हो,
विच इज ट्रीटेड एज व्हाट आईडी सेलेक्टर। आपको लगता है कि मैं कई सारे टैक्स पर उसे अप्लाई करना चाहता हूं, और अलग अलग टैक्स पर लाइक पैराग्राफ, हेडिंग, डिव टैग, उसके लिए हम लोग क्लास सेलेक्टर का यूज करते हैं। सो मैं अभी इस पर बहुत ज्यादा एनर्जी तो नहीं लगाऊंगा बिकॉज आई हैव टॉट इट। जैसे फॉर ऑल 100 H1 टैग रेड कलर, जैसे कोई आपसे एक असाइनमेंट दे कि देर आर 100 H1 टैग्स और उनका आपको रेड कलर करना है, देन इन दैट केस यू आर सपोज टू यूज दी एलिमेंट सेलेक्टर्स। आपको सिंपल एक टैग का ही कलर ब्लू करना है, ओनली वन H1 टैग, देन यू आर सपोज टू यूज द आईडी सेलेक्टर। उस केस में आपको किसका यूज करना चाहिए? आईडी सेलेक्टर का यूज करना चाहिए। और मैंने आपको बताया जस्ट 15 H1 टैग्स शुड बी डिस्प्लेड इन ऑरेंज कलर। देखिए 15 H1, तो अगर आप लाइक आउट ऑफ 100 आप ये काम 10-20 या 30 पर करना चाहते हैं, इन दैट केस यू आर सपोज टू यूज द क्लास सेलेक्टर। क्यों ना इतनी ही चीज को प्रैक्टिकली करने के लिए एक बार छोटा सा एक एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। राइट, सी ये index.html है, डॉक टाइप डिक्लेरेशन हो गया, अभी हमें इनकी जरूरत पड़ती ही नहीं है। राइट, जस्ट रिमूव इट। ये मेटा करेक्टर सेट की भी हमें जरूरत नहीं है, टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये एक रिलेशन हो गया इससे विच इज ऑलरेडी गिवन। राइट, मेरे पास ये माई स्टाइल है, S1 की जगह मैंने माई स्टाइल बना रखा और देखो उसको लिंक कर रखा है यहां पर। सो इसी में ये सारी चीजें कर लेंगे। व्हाट आई हैव डन, वन हेडिंग टैग H1 विद क्लास पैराग्राफ टैग, इसमें ऐसे ही मिसलेनियस चीजें लिख दी है मैंने, सो मेनी थिंग्स आई हैव रिटन। तो मैंने पुराना कंटेंट सारा कुछ विद इन बॉडी टैग हटा दिया है एंड आई हैव पेस्टेड दिस वन। बिलीव मी नथिंग इज न्यू इन दिस वन, दिस इज वन लाइक सिंपल H1, दिस वन इज लाइक H1 विद क्लास, दिस इज वन पैराग्राफ टैग। जब कोई डिफॉल्ट कॉन्टेंट लेते ना यहाँ पे लॉरम एप्सम डॉलर ये नॉर्मली IDs में गिवन होता है, इट इज अ गार्बेज टेक्स्ट, इसको हटाकर फिर कोई हम सेंसिबल टेक्स्ट लेके आते हैं। राइट, ये दिमाग में रखना। अगेन H1 लगा दिया, फिर ID लगा दी। अब ध्यान रखना ऊपर हमारा क्लास सेलेक्टर है और दिस इज दी आईडी सेलेक्टर। मैं आपसे ये कहूंगा क्लास सेलेक्टर इज नॉट कन्फाइंड विद अ पर्टिकुलर टैग, हियर आई हैव यूज्ड दी क्लास सेलेक्टर ऑन H1 एंड द सेम क्लास सेलेक्टर आई हैव यूज्ड ऑन व्हाट पैराग्राफ टैग। हमने किस पर यूज किया है? पैराग्राफ टैग पर। आप नोटिस करना यहां पर भी मैंने H1 के ऊपर इसे अप्लाई किया हुआ है। सो दिस इज नॉर्मल HTML का पेज, दैट कंटेंट इज गिवन हियर, इट इज अ टाइप ऑफ सैंपल। अब ये रूल में अप्लाई करवा के दिखाना चाहता हूं आपको। कहीं पर हमारे पास div टैग है क्या यहां पे? सी देयर इज नो div टैग आई थिंक। राइट, लेट मी चेक, पैराग्राफ टैग, div टैग, div टैग इज नॉट देयर। राइट, सो ऐसा कर लेते हैं, यहां पर ये रूल जैसे है मैं पैराग्राफ टैग पर अप्लाई कर देता हूं और यू यूज सम डिव टैग। राइट, गिव मी वन सेकेंड। सी आई वुड यूज इट ऑन पैराग्राफ टैग। यहां पर आए, जस्ट रिमूव दी ऑल थिंग्स, सिंपल पी टैग पर इस चीज को लगा दीजिए। कलर का मतलब होता है फोर कलर, जो आगे का कलर होता है टेक्स्ट कलर। राइट,
और बैकग्राउंड उसका रेड हो गया। तो जहां कहीं भी अब पैराग्राफ टैग होगा उसके ऊपर ये रूल गारंटीड अप्लाई हो जाएगा। सी रिफ्रेश इट। सो ऑन टू प्लेसेस आई हैव यूज्ड द पैराग्राफ टैग। देखिए एक पैराग्राफ टैग मेरा ये है एंड दिस इज वन मोर, बट इसमें तो डीडी सर क्लास दे रखी है। सो आपको उसके लिए अलग से एक क्लास सेलेक्टर बनाना पड़ेगा। दिस वन, जैसे ये वाला बना के देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज द नेम ऑफ इट? स्पेशल ओनली, राइट? सो आप यहां पर आइए और क्लास सेलेक्टर की पहचान बस ये है कि इट इज प्रिसीडेड बाय द डॉट साइन, डॉट साइन। अब आप इसे किसी भी एक टैग के साथ लगाइए, जैसे इसके साथ लगा हुआ है। ध्यान रखना नॉर्मल पैराग्राफ टैग का जो बैकग्राउंड कलर होगा विच इज रेड, और जो हमारा क्लास सेलेक्टर है उसका बैकग्राउंड आप कोई और चेंज कर लीजिए, राइट? लेट्स से इसका मैं येलो कर देता हूं टू डिफरेंशिएट इट। तो अब आप नोटिस करना जो पहले वाला जो पैराग्राफ टैग है उसका बैकग्राउंड कलर रेड आएगा, और जो दूसरा वाला बैकग्राउंड कलर होगा इस पैराग्राफ टैग का वो येलो आएगा। लेट मी शो यू। सी जहां कहीं भी वो क्लास सेलेक्टर लगा होगा, देखिए वो इस पर भी लगा होगा गारंटीड, राइट? सो देखिए H1 के ऊपर भी हमने उस क्लास सेलेक्टर को यूज किया हुआ है, एंड समवेयर इट इज ऑल्सो यूज। देखिए अब यहां पर ये आईडी सेलेक्टर भी गिवन है, राइट? इसके लिए कुछ और रूल्स आप बना सकते हैं। सी व्हाट इज द नेम ऑफ आईडी सेलेक्टर हियर? स्पेशल एच वन। सो स्पेशल डिव की जगह पर आपने क्या कर दिया यहां पर? स्पेशल एच वन। सो गारंटीड यू वुड फाइंड सम चेंज। सी दिस वन। सो माई मेन एजेंडा इज टू टीच यू लाइक वॉट एग्जैक्टली इज द एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर, हाउ यू डिफरेंशिएट इट। आप उसे कैसे डिफरेंस करेंगे? ये भाई एलिमेंट हो गया, ये हमारा क्लास सेलेक्टर हो गया, और दिस इज द आईडी वन। आईडी सेलेक्टर इज प्रिसीडेड बाय व्हाट? हैश सिंबल। नॉर्मली क्लास सेलेक्टर कैन बी यूज्ड विद मल्टीपल टैग लाइक पैराग्राफ, लाइक एच वन एंड वन मोर प्लेस हियर आल्सो इन बॉटम, बट आईडी सेलेक्टर आई शुड यूज विद द स्पेसिफिक टैग। किसी एक टैग के साथ ही मुझे इसका यूज करना चाहिए। सो आई होप इट इज ऑल रिवीजन। इफ यू अंडरस्टैंड इट प्लीज लाइक टाइप इन चैट बॉक्स जीटी, जीटी इज अ स्मॉल फॉर्म, गॉट इट? थैंक यू साक्षी, कनिष्क, ग्रेट, मुस्कान। आप प्लीज इसे पढ़ते रहना, मेरा मन है कि मैं आपको इसे प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊं। आई हैव टॉट यू लाइक एडवांस सीएसएस सेलेक्टर्स आल्सो, लाइक यूनिवर्सल सेलेक्टर, इसे हम यूनिवर्सल सेलेक्टर भी कहते हैं। सब पर रूल अप्लाई हो जाएगा, डिसेसेंट, एडजेसेंट, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, एंथ ऑफ टाइप सेलेक्टर। तो क्यों ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसे बताऊं। सो सिंपल, आप एचटीएमएल में कोई कोड लिखें और स्टेप बाय स्टेप उसे अप्लाई करके देखें। तो सबसे पहले मैंने लिखा एडवांस सेलेक्टर डेमो। व्हाट आई सजेस्ट यू, जस्ट रिमूव एवरीथिंग, remove everything, right? So it is plain HTML code.
just type body here. And today I am going to teach you some advanced selectors, right? So we would learn it step by step. This is one anchor tag. I have taught you earlier as well. Click here to go to Google. कोई भी क्लिक करेगा हम गूगल पे चले जाएंगे. दिस इज आर अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट? UL stands for you know that, which is unordered list. In that I have put some like things like cat, ant, dog. I have given some like miscellaneous things in that, right? If this is true, there are some list of the movies which is given inside again unordered list. Or maine yahan par H4 de rakha hai, Baahubali, Vakil Saab, aise karke aap aur apni pasandida movie rakh sakte hain yahan pe. Jaise let's say maine Mohra rakh di. These are some like movies, right? Kya rakh do, chaliye koi aur movie rakh de. Kaho Na Pyar Hai. These are some like old movies, right? Then list of some top websites. Amazon, Flipkart, Paytm. I have given my website name as well. So I have designed one HTML page, right? See it. Just refresh it. This is the code. Now I am going to apply some CSS rules on this HTML page. वो मुझे आपको step by step आपको बताने हैं. See, first of all, I would discuss about this one. इसे लोग universal selector भी कहते हैं. देखिए क्या भी रहा है वो. Star means everything. This style is applicable for every tag in the web page. ऐसा नहीं नॉट फॉर लाइक एच वन और पैराग्राफ. इट इज नॉट लाइक एलिमेंट सेलेक्टर और टाइप सेलेक्टर. सी, अगर आपने कलर ब्लू कर दिया और बैकग्राउंड येलो कर दिया, थोड़ा अजीब सा तो लगेगा. बट अब हर चीज का बैकग्राउंड कलर कैसा हो गया होगा बताएं? येलो. और फोर कलर उसका कैसा हो गया होगा? ब्लू. See it, refresh it. It is showing. क्योंकि ये universal selector है, correct? This is known as the universal selector. If this is true, एक और होता है decessant. Decessant का मतलब होता है अगर एक tag के अंदर कोई दूसरा tag है, उसके ऊपर वो rule apply होगा. मतलब जो चाइल्ड टैग होते हैं, किसी के अंडर में कोई हो, जैसे पैराग्राफ टैग के अंडर में स्पैन टैग है. पैराग्राफ टैग के अंदर कौन सा टैग है? स्पैन टैग. लेट मी चेक कौन किसके अंदर है. हमारे यहां पर तो अभी पैराग्राफ टैग है ही नहीं, बट यूएल के अंदर एलआई तो है, या बॉडी के अंदर H1 तो है, या एल आई के अंदर कहीं पर एंकर टैग हो. सी, यस, देखिए एल आई के अंदर एंकर टैग था, विच इज नोन एज द डिसेसेंट. इसे मैं आपको एक बार करके दिखाना चाहता हूं. सीट, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, We have to specify the space. हमको इस जगह पर क्या देना होता है? We always provide the space here. LI के अंडर में space है, right? This one. आपने ये नोटिस किया होगा कि अब जो कलर है हमारा वो कैसा हो गया है? रेड. एंकर टैग का जो LI के अंडर में होंगे, अगर हमारे पास नॉर्मल प्लेन कहीं एंकर टैग होगा, देखिए ये रहा, इस पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा.
because it is not inside the LI tag. See, इनके ऊपर ये रूल अप्लाई हो रहा है. क्या लिखा था आपने उसमें कि उसका आगे का कलर जो फोर कलर है उसका वो कैसा हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए. आई होप डिसेसेंट का मतलब समझ में आया होगा. स्टाइल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एंकर टैग विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एलआई टैग. मैं यहां पे थोड़ा टैग का सिंबल बना देता हूं. ध्यान रखना जो ये रूल है वो एंकर टैग के लिए बन रहा है ना कि एलआई के लिए. जैसे हमने कहा भाई ऐसा कोई टैग प्लीज, ये नहीं कि डायरेक्ट उसी के अंडर में हो. जैसे ये वाला रूल भी हम उसी के लिए बना रहे हैं. ये जो भी रूल बन रहा है विच इज फॉर एंकर टैग अगेन, बट उसका सीक्वेंस के बॉडी के अंदर यूएल होगा, यूएल के अंदर एलआई होगा और एलआई के अंदर ए होगा. ये किसी भी लेवल पर हो और ऐसा है भी. सी बॉडी, बॉडी के अंदर यूएल, दिस वन यूएल के अंदर एलआई और एलआई के अंदर ए, तो गारंटीड उसका बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा. आप उसे हटा दीजिए आप, राइट. आप दो रूल अप्लाई मत करिए आप. सी बट जो ये रूल अप्लाई हो रहा है, प्लीज मेक इट अ पॉइंट, इट इज नॉट फॉर यूएल, इट इज नॉट फॉर एलआई, इट इज ओनली फॉर व्हाट, एंकर टैग. और इन सब के बीच में एक एक स्पेस दे रखा है, एक एक स्पेस दे रखा है. सो जस्ट रिफ्रेश इट, सी, क्योंकि आगे का कलर अब कैसा हो गया उनका, ब्लू हो गया. आज मैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताना चाहता हूं इसमें. सी जैसे H1 टैग मैंने यहां भी लिखा और आप उसे एक को यहां रख दीजिए, राइट. लेट मी शो यू समथिंग, राइट. अब मैंने आपसे कहा कि बॉडी टैग के डायरेक्ट अंदर में अगर कहीं एंकर टैग हो तो उसका बैकग्राउंड जो कलर है, बैकग्राउंड जो है वो क्या कर दीजिए आप, रेड कर दीजिए. और उसका जो आगे का कलर है वो व्हाइट कर दीजिए. लेट मी शो. इसका मतलब क्या हुआ पता है, जो एंकर टैग डायरेक्टली बॉडी के अंडर में होगा, यहां पर डायरेक्ट नहीं, वो किसी भी लेवल पर हो जाकर यहां पर डायरेक्ट उसका वो चाइल्ड होना चाहिए. सी देखिए इसके ऊपर तो ये रूल अप्लाई हो रहा है, क्लिक हियर टू गूगल, परंतु Where is that? Click here to Google. See, anchor tag. मैंने लगाया किसके ऊपर था वो? Yes, body के अंदर anchor पे. परंतु ये वाली चीज अगर मैं यहां लिख दूं, now I think it should not work. See, it is plain. Click here to go to Google तो आ रहा है, बट उसके ऊपर वो रूल अप्लाई क्यों नहीं हुआ पता है? बिकॉज आपने क्या लिखा, बॉडी के डायरेक्ट अंदर में ए होना चाहिए. बॉडी के देखिए डायरेक्ट अंडर में है ए, उसके बीच में कोई नहीं है. बट यहां तो बॉडी और एंकर टैग के बीच में कौन आ गया, यूएल आ गया ना. बट अगर आपने
यहां पर ये ग्रेटर देन का साइन न लगाकर अगर स्पेस लगा दिया होता, इसका मतलब फिर वो एंकर टैग किसी भी लेवल पर हो, वो एंकर टैग किसी भी लेवल पर हो, देन फिर वो चीज अप्लाई होगी। सी इज दैट, मैंने सिंपल आपको एक नई चीज बताई है कि ग्रेटर देन का साइन लगाने से वो उसका इमीडिएट चाइल्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इमीडिएट चाइल्ड। और यहां पर वो चीज किसी भी लेवल पर अंदर जाकर हो सकती है। यू गॉट सम डिफरेंस इन दैट? शायद यहां पे डिसेसेंट तो दे रखा है बट चाइल्ड सेलेक्टर नहीं दे रखा है। डिसेसेंट में क्या है, यहां पर सिंपल हमें स्पेस देना होता है, राइट? सो स्टाइल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द स्पेन टैग विच आर प्रेजेंट इन साइड द पेरेंट टैग। इन रूल्स को आप पढ़ना, स्टाइल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एंकर टैग, राइट? देखिए यहां पर इस लाइन को मैंने लिखा है, चाइल्ड नीड नॉट बी इमीडिएट चाइल्ड, चाइल्ड नीड नॉट बी इमीडिएट चाइल्ड। एडजेसेंट क्या होता है भाई? जस्ट नीचे, पड़ोसी, अंडर में नहीं, उसके जस्ट नीचे कोई चीज हो। देखिए माइन्यूट माइन्यूट से डिफरेंसेस है, दीज आर सम लाइक माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंसेस। जैसे मैंने कहा एच वन के जस्ट नीचे अगर ए होगा तो उसके ऊपर तो ये रूल अप्लाई होगा, सेलेक्ट ऑल एंकर टैग विच आर एडजेसेंट टू द एच वन एंड अप्लाई द स्टाइलिंग। एच वन के अंडर की बात नहीं हो रही है, एच वन के नीचे की बात हो रही है। जैसे डिव के नीचे अप्लाई द स्टाइल फॉर पैराग्राफ टैग विच आर एडजेसेंट टू द डिव टैग। इसका मतलब देखो, एच फोर प्लस यूएल, सी ये रूल मैं एक बार अप्लाई करके दिखाता हूं आपको। जो एच फोर के नीचे यूएल होंगे, सी लिस्ट ऑफ मूवीज, उसका जो बैकग्राउंड है वो रेड होगा। अभी फिलहाल लिस्ट ऑफ द मूवीज का बैकग्राउंड तो येलो है। सी एच फोर प्लस यूएल, एडजेसेंट का मतलब अंडर नहीं होता, नीचे होता, बिलो, वो उसका चाइल्ड नहीं। गारंटीड आपको डिफरेंस देखेगा यहां, सी इट इज शोइंग ऑन दैट। किसके ऊपर लगाया उसे मैंने? यूएल के ऊपर, एल आई के ऊपर नहीं लगाया। सी दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, दिस इज नोन एज एल आई। सी उसको यूएल कहते हैं। अगर आप एल आई के ऊपर लगाते, लेट मी शो यू समथिंग। सी Not showing. H4 के ओके, H4 के डायरेक्ट अंडर में जस्ट नीचे तो UL टैग आता है ना। जैसे मैं यहां पर H1 रख दूं, राइट? H1 tag. Now my style और यहां पर मैं H1 करता हूं। I want to just show it कि जो H4 के just नीचे है। See H4 में क्या लिखा था? List of top website। Plus का मतलब होता है just उसके नीचे। See H1 plus H4। अब इसका मतलब है डिव के नीचे यूएल होगा। और देखिए ये इसके अंडर में, सेलेक्ट ऑल एंकर टैग विच आर एडजेसेंट टू यूएल एंड दैट यूएल प्रेजेंट अंडर इनसाइड द डिव टैग।
इसका मतलब ये हो गया लाइक डिव टैग होगा और उसके अंडर में यूएल होगा, यहां पर और भी एलआई वेलआई हो सकते हैं, यहां पे यूएल बंद होगा और उसके नीचे यहां एंकर टैग होगा इस जगह पे, सेलेक्ट ऑल एंकर टैग विच आर एडजेसेंट, एडजेसेंट की हिंदी होती है बिलो, एडजेसेंट टू यूएल एंड दैट यूएल प्रेजेंट इनसाइड द डिव टैग, और जो यूएल है वो किसके अंडर में होगा बेटा, डिव टैग के अंडर में, और उस डिव टैग को यही बंद कर देना भाई इस जगह पे, उसके नीचे ही तो ये है। सो अभी अभी आपने तीन चीजें देखी, एक देखा H1 स्पेस H4, इसका मतलब होता है H4 इनसाइड H1, एक देखा मैंने H1 ग्रेटर देन H4, ये भी H4 इसके अंडर में ही है बट डायरेक्ट चाइल्ड होगा इसका, ये किसी भी लेवल पर हो सकता है, इसके बीच में और भी टैग्स आ सकते हैं। एक होता है H1 प्लस H4, इसका मतलब एडजेसेंट, उसके नीचे बिलो, ये टर्म आपको मेरी समझ में आना चाहिए। नाउ आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे आप मेरे कहने से आप समवेयर यहां पर बना लीजिए, जैसे नेम लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम वैल्यू को चलो खाली छोड़ देते हैं, राइट, ऐसे बना दिया, ऐसे ही एक और बना देते हैं विच इज व्हाट पासवर्ड, और यहां पर क्या लिखा मैंने इनपुट टाइप पासवर्ड एंड नेम कैन बी व्हाट टीएक्सटी पास, चाहे तो नीचे इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू दे दो कोई क्लिक, दैट्स इट। अब हम क्या चाहते हैं कि हमने एक रूल बना दिया राइट, कि जितने भी इनपुट टाइप हैं, जितने भी ये मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं राइट, रिमूव दिस सी, जितने भी इनपुट टाइप हैं उनका बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाना चाहिए, येलो हो जाना चाहिए। हम यहां पर आए और जस्ट कम हियर एंड सी दिस, देख रहे हैं आप जितने भी हमारे इनपुट टाइप है ना, सो देख रहे हैं आप बैकग्राउंड कलर उसका कैसा हो गया हमारा, लाइक येलो हो गया, क्योंकि आपने जो रूल अप्लाई किया है वो किसके लिए किया, इनपुट के लिए, ये अभी जेनरिक बात कर दी मैंने राइट। नाउ मैंने कहा भाई जिसका टाइप अगर पासवर्ड है उसका बैकग्राउंड कलर हम अलग करना चाहते हैं, मान के चलिए सबका बैकग्राउंड कर दिया येलो, बट जिसकी टाइप पासवर्ड है उसका बैकग्राउंड आपने क्या कर दिया, रेड, यानी कि आपने अब थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया उस चीज को, सीट। अब इनपुट टाइप दो का तो आएगा येलो, बट जिसका टाइप पासवर्ड है सी, यू गॉट दिस,
सो आई होप ये बात समझ में आ रही हो। इसको बेसिकली हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर कहते हैं कि जिसका टाइप पासवर्ड हो उसका कलर कैसा होगी जाना चाहिए भाई, रेड कलर। आप किसी के लिए भी ये रूल लगा सकते हैं, गॉट माई पॉइंट। जैसे कोई एंकर टैग है, लेट मी शो यू, जैसे यहां पर Amazon, Flipkart, Paytm, Carrier Compiler बहुत कुछ है ना। हमने कहा भाई जिसकी HRF की वैल्यू Flipkart.com है उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाना चाहिए। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट ही तो हो रहा है कि ये एट्रीब्यूट की उसकी वैल्यू होगी। सी गारंटीड आपका जो HRF होगा ये जो वैल्यू है दिस वन, यही वैल्यू मैंने यहां पर ली है तो उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। देखिए सी दिस इज नोन एज व्हाट, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। यहां पर आप कर सकते थे इनपुट टाइप टेक्स्ट है और इसका मैं पासवर्ड कर देता हूं, मैंने सिंपल कॉपी पेस्ट किया होगा इसे और इसको मैंने क्या कर दिया टीएक्सटी पास। एक और इंटरेस्टिंग बात होता है nth ऑफ टाइप सेलेक्टर, nth ना नंबरिंग के लिए होता है। जैसे ये यूएल के अंदर बहुत सारे एलआई लगा दी, 1, 2, 3, 4, 5। अब मैंने कहा भाई मुझे इस थर्ड वाले पर एक रूल अप्लाई करना, मीन्स आई वॉन्ट टू अप्लाई सम रूल ऑन द थर्ड लिस्ट आइटम। किया जा सकता है ऐसा? राइट, दैट्स इट। हम यहां पर आए यूएल nth ऑफ टाइप टू, समझ रहे हैं आप, अनऑर्डर्ड लिस्ट में दूसरा वाला। सी जैसे आई मस्ट हैव टू यूएल। सी एक तो ये है हमारा, ये दूसरा वाला अनऑर्डर्ड लिस्ट है, मैं इसी के बारे में आपको बताता हूं, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट टाइप का दूसरे नंबर वाला। माई स्टाइल में आइए, यूएल nth ऑफ टाइप हाइफन से सेपरेट करेंगे उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। तो हमारे पास यूएल दो थे शायद, एक हमारा ये रहा, इस पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ये लिस्ट ऑफ मूवीज वाले पर वो रूल अप्लाई हो जाएगा आपका। देखिए सी दूसरे वाले की बात की ना आपने, अगर यही में ये कह देता कि ये रूल आप वन पर अप्लाई करिए, बैकग्राउंड कलर हमारा रेड कर दिया आपने, तो वही रूल अब इस पहले वाले पर अप्लाई हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं ना आप लोग? नेक्स्ट देखिए, देख रहे हैं आप एलआई, एलआई बोले तो लिस्ट आइटम, जो इवन वाले हैं उन सब का बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाए, रेड हो जाए। सी जितने भी लिस्ट होंगे आप इसे एक सेकंड के लिए कमेंट बना दो, राइट, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश मैंने बताया था शायद, देखते देख रहे हैं आप, जो इवन वाली 2 है 4 है, जितने भी लिस्ट आइटम इनमें से इवन होंगे। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। इनहेरिटेंस आप डे वन से यूज कर रहे हैं, जैसे बॉडी का कलर 4 कलर रेड कर दिया तो बॉडी के अंडर में जितने भी टैग होंगे सबका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा 4 कलर। और मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपने अपने लिए कोई कलर बना दिया है तो फिर आप वाला अप्लाई होगा,
अदरवाइज सभी का फोर कलर कैसा हो जाएगा? रेड, क्योंकि एवरीथिंग कम्स इनसाइड द बॉडी ना। इनहेरिटेंस तो आप जानते हैं, पिताजी अगर पैसे वाले हैं, बच्चे पर अगर कुछ भी नहीं है तो उस पर उसका रूल। अब जैसे बताइए, अमिताभ में से और अभिषेक में से लकी कौन है? तो अभिषेक ज्यादा लकी है ना, क्योंकि उसने अमिताभ की यहां पे जन्म लिया। उससे भी छोड़ा, आराध्या की बात कर लेते हैं। कितने सारे बच्चे रोज जन्म लेते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट आराध्या। इनहेरिटेंस, वो फीचर उसको अपने आप मिल जाए। अब वो ऐश्वर्य की लड़की है भाई। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये इनहेरिटेंस होता है। बट आपने अगर अपने लिए कोई अलग से रूल बना लिया है कि भाई एलआई के लिए अब कलर ग्रीन ही आएगा, राइट? तो फिर वो उनके लिए फिर ग्रीन ही कलर आएगा। आपने अगर कोई अपने लिए अलग से एक रूल बना लिया है, देन इट विल बी अप्लाइड फॉर दैट। देखिए, उसको बेसिकली एक टर्म बोलते हैं सीएसएस, स्पेसिफिसिटी। स्पेशल से ये वर्ड आया होगा कहीं ना कहीं। इफ मल्टीपल स्टाइल्स आर अवेलेबल फॉर एलिमेंट, देन द मोस्ट स्पेसिफिक स्टाइल, यानी जो उसके ज्यादा नजदीक होगी बेसिकली उसको ज्यादा माना जाता है। देन चेक इन द इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। सो दीज आर द थिंग्स। आई थिंक इस सेशन में इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।